अभी सब्सक्राइब करिए हमारे डिटेक्टिव सत्यम चैनल को, साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिटेक्टिव सत्यम चैनल में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए टेक्नोलॉजी टॉक्स का चौथा एपिसोड। इस वीडियो में मिलेगी फ्रेश वीकली टेक न्यूज, टॉप 7 टेक न्यूज इस वीक में रही है। तो चलिए देखते हैं कौन सी न्यूज कितनी टॉप पे रही है। दोस्तों पहला अपडेट पबजी लाइट के बारे में निकल के आता है। जैसा कि पबजी ने अपनी लाइट वर्जन वाला गेम 4 जुलाई को भारत में लॉन्च कर दिया है और इसका सर्वर भी भारत में लॉन्च हो गया है। अगर आपको पबजी लाइट खेलना है तो आप पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पबजी लाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पबजी के बारे में नहीं जानते हैं तो ये एक गेम है जिसे काफ़ी प्यार मिल रहा है। ये पूरे वर्ल्ड में खेली जा रही है और इंडिया का तो ये फेवरेट गेम है। अगर आपके लैपटॉप में कम स्पेसिफिकेशन है, जैसे आपका इंटेल का i3 प्रोसेसर है, 4GB रैम है और आपका ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं है, तब भी आप लगभग इस गेम को अपने PC में आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों अगला अपडेट Redmi K20 और K20 Pro के बारे में निकल के आता है। ये Redmi ने खुद कंफर्म किया है कि लगभग एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा यूनिट चाइना में बिक गए हैं, जो कि काफ़ी चौंकाने वाली बात है। 10 लाख से भी ज़्यादा यूनिट, काफ़ी Redmi K20 और K20 Pro को प्यार मिल रहा है चाइना में। दोस्तों अगला अपडेट Xiaomi के लेटेस्ट MIUI 10 बीटा के बारे में निकल के आता है। इसमें सेटिंग में एक नया फीचर ऐड किया गया जिसका नाम है पासवर्ड मैनेजर। यह ऑटोमेटिक आप किसी वेबसाइट से पहले ही कुछ साइनअप अपनी ईमेल आईडी की रहते हैं तो आपको पासवर्ड उसका नहीं डालना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑटोमेटिक पासवर्ड फिलअप हो जाएगा। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा दूँगा। दोस्तों अगला अपडेट चंद्रयान 2 के बारे में निकल के आता है। इसरो ने कंफर्म किया है कि यह थर्सडे को रात के 12 बजे क्रैश हो जाएगा और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसरो की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन चालू है पब्लिक के लिए, तो आप करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन और आपको लाइव देखने का ये मौका मिलेगा क्रैश होते हुए। और ये बिल्कुल सेफ है, आपको घबराने की बात नहीं है। इसरो ने खुद कन्फर्म किया है कि आप इसे आके लाइव देख सकते हैं। दोस्तों अगला अपडेट फोल्डेबल आईपैड के बारे में निकल के आ रहा है। ये पिक्चर लीक हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये एप्पल की तरफ से ये बात तो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि एप्पल अपने फोल्डेबल आईपैड पे काम कर रहा है जो 5G सपोर्ट करेगा, जो कि काफ़ी चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल ही में या इस साल के अंत में ही हमें 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाए। और ये कहा जा रहा है कि ये फोल्डेबल आईपैड 2020 तक लॉन्च हो जाएगा। जैसा कि आप जान सकते हैं और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, सैमसंग ने ही अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन कुछ महीने पहले लॉन्च किया था जो कि इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है। दोस्तों अगला अपडेट नोकिया 6.1 के बारे में निकल के आता है। इसकी काफ़ी प्राइस इंडिया में गिर गई है, लगभग ये 7000 का हो गया है। जैसा कि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, नोकिया 6.1 2018 में नोकिया की तरफ से लॉन्च किया गया था जिसकी प्राइस 17000 की थी, जो कि अभी इसकी प्राइस केवल 7000 रुपये हैं, लगभग 10000 दाम गिर गया है। अगर आप इस मोबाइल को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि नोकिया की ड्यूरेबिलिटी के लिए तो सब कोई जानता है नोकिया कितना मजबूत फ़ोन बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर अपडेट की कोई बात ही नहीं है क्योंकि इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगला अपडेट वर्ल्ड कप के बारे में निकल के आता है। 4 टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसमें हमारी टीम पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड है और चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड है। और जैसा कि जान सकते हैं कि आप सेमीफाइनल फर्स्ट का मैच 9 जुलाई को होगा, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड लगभग 3 बजे दोपहर में, और सेमीफाइनल 2 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 11 जुलाई को होगा लगभग 3 बजे, आप इसे देख सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, मैंने कुछ नया ट्राई किया है। अगर आपको ये अच्छा लगे कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।